सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। फिर एक दिन अम्मा ने ऐलान कर दिया सबके सामने कि मारा वापस रणकपुर जाना जरूरी है, पर उन्होंने यो भी कह दिया कि रज्जो मारी घराली बन के मारे साथ जाते। ना चाहते हुए भी चुपचाप मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि मैं खुद अपने घर आना चाहता था, अपने परिवार वालों के साथ आना चाहता था, जहां मेरी पहचान है, जहां मेरे सारे सवालों का जवाब था। इसलिए मैं अम्मा के खिलाफ में जाना चाहता था, और इसलिए मैंने फैसला किया कि जब तक हमारी सारी याददाश्त पूरी अच्छी तरह से वापस ना आ जाती, मैं आपके साथ सख्ती और पूरी नफरत से पेश आऊंगा। राजवीर, तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? असल में जैसे जैसे आप हमारे करीब आने की कोशिश कर रही थी, उन्हें अपनाने के लिए पागल हो जा रही थी, तब मैंने यकीन होने लगा कि हमारे बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर से, जो सीधा दिल से जुड़ा हुआ है। और फिर धर्मा ने जब आप पे गलत इल्जाम लगाए और घर के सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए, आपसे नफरत करने लगे, वहीं पे हमारे को शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर से, मैंने आपकी मदद करनी चाहिए। अरे भला जब मारे को घर वापस आने के बाद भी आप पाना चाहते थे, मारे से बात करना चाहते थे, तो फिर आप किसी और के साथ क्यों भागोगे? और फिर वही मैंने फैसला किया कि मारे को आपकी मदद करनी चाहिए। और फिर मैंने जब पता चला कि गबरू धर्मा के पास जाके सारा सच उगलाने जा रहा है, इसके पहले कि गबरू पहुंचे, मैं धर्मा के पास चले गए सारा सच जानने के लिए। पर तुम्हें सब कुछ याद कब आया राजवीर? सब कुछ एकदम से नहीं, धीरे धीरे याद आने लगा, टुकड़ों में याद आने लगा। और उस दिन जब घर का बंटवारा हो रहा था और मैंने जिस तरीके से आपको पागलों की तरह रस्सी काटते हुए देखा, तब मैंने आपकी आंखों में एक सच्चाई नजर आई। और उस दिन जब आप मारे से 2 मिनट बात करना चाहते थे, उस दिन मारे को आपका प्यार नजर आया समझ जी। भले ही आप कुछ नहीं कह रही थी, पर आपकी आंखें मैंने सब कुछ बता रही थी सिमरन जी। और फिर अगले दिन आपने हमारे को ब्याह का एल्बम दिखाया, उस वक्त तुम्हारे होश ही उड़ गए, मैं हैरान ही रह गया था। मैंने कोई शक ना रह गया था, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली कर लेना चाहता था, इसलिए मैं ऐसी ऐसी बातें बोलता गया ताकि आप पुरानी बातें करते जाओ। और धीरे धीरे मारे को सब कुछ याद आते जा रहा था, पर अचानक से तुमने राजू को अंदर आते हुए देखा, और ना चाहते हुए भी मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं नहीं चाहता था कि रज्जो को मारे पे कुछ शक हो या तो कुछ भी पता चले, पर उस दिन मैंने जो आप पे हाथ उठाया, उसका दुख मारे को जिंदगी भर रहेगा। वैसे आपको एक बात बताऊं, ताऊजी के मना करने के बाद मैं उस दिन मंदिर सिर्फ आप ही के लिए गया था, ताकि किसी भी तरह मैं आपके साथ पूजा कर सकूं और इस घर के सारे रीति रिवाज निभा सकूं। मतलब मंदिर जाने से पहले तुम्हें सब कुछ याद आ गया था राजवीर? हाँ सिमरन जी, और रज्जो की वजह से मैं कुछ कह ना पा रहा था, और ऊपर से मारे को उसके साथ पूजा भी करनी पड़ी, पर तभी पूजा की थी? हाँ सिमरन जी, शायद कुलदेवी खुद ही हो चाहती थी, इसलिए मारे को यह इतना बड़ा मौका मिला। अगर सब कुछ याद आ ही चुका था, तो मारे दिमाग में आपको लेकर कोई सवाल ही नहीं था, इसीलिए तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे अकेले में बात कर सकूं,
आपसे माफी मांग सकूं और जान सकूं कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जब मैं होश में ना था, तो हमारे पीछे इस घर में और क्या क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अम्मा को इस घर के लोगों से नफरत क्यों है। हजवीर, मैं तुम्हें माँ जी की सच्चाई बताने के लिए इतनी डेस्परेट थी, पर जब भी मैंने तुम्हें कुछ बताने की कोशिश की, तुमने मेरा विश्वास ही नहीं किया। और शायद इसलिए सिचुएशन इतनी बिगड़ती चली गई। शायद अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मैं माँ जी को कभी इतना कह नहीं बचाने देती। तो अब बता बता समझ जी, आज मैंने अपने आप से ज्यादा विश्वास बता दो मन्ने कि अम्मा की असलियत क्या है। ठीक है राजवीर, तो मैं तुम्हें वहां से बताती हूँ जहाँ से पहली बार मैंने माँ जी के दरवाजे के बाहर वो आवाजें सुनी। राम नाम सत्य है, सावण का राम। राजवीर, दादाजी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि माँ जी ने उन्हें जहर दिया था। और ये बात खुद दादाजी ने मुझे फोन करके बताई थी जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बेटा, आखिरी बार याद करो थे, आखिरी बार में हमने जहर दे दिया, शादी हुआ हमारे घर में, अपने घराने का बदला लेना इसे। और फिर माँ जी ने धोखे से मुझे उस पहाड़ी पे बुलाया जहाँ पे उन्होंने मुझे अपना सारा सच बताया कि वो इस घर में अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए आई और एक एक करके सामान परिवार के हर सदस्य को खत्म कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे उस खाई में धकेल दिया। राजा, सॉरी राजवीर, पर अगर तुम इस परिवार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मां के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैंने शक तो पहले से था सिमरन जी कि हमारी मां गलत से, लेकिन वो इतनी गरीबी निकलेंगी मैंने यह कभी ना सोचा था। अपने भगवान का जिंदगी भर शुक्र गुजार रहूंगा कि उन्होंने हमारे को ऐसी मां से दूर रखा और एक सच्ची मां की झोली में डाल दी। हमारे असली माँ बाप तो वही हैं जिन्होंने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, हमारे को संस्कार दिए। और अगर उस घर उस परिवार पे कोई भी मुश्किल आती तो बेटा होने के नाते मैंने उस घर को बचाना ही चाहिए। इसलिए आज मैं कसम खाता हूं कि आपकी मदद से इस घर को उस औरत के काले साए से बचा के रहूंगा। आप और मैं, हम दोनों मिलके उसकी सारी असलियत सबके सामने ला देंगे। जो मेरा वादा से सुना जी। छोरे ने ठिकाने लगाना था मगर अब तक उस बिरजू से इतना सा काम नहीं हुआ। और वो पहलवान कह रहा था कि यो तो बड़े काम की चीज है। पता नहीं कदे मर गया। सकल बता रही है कि तू जूते खा के आ रहा है। मैंने माफ कर दो जी, मैं सिमरन का काम तमाम करने ही वाला था कि एकदम से एक नकाब उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाता उसने तने संभाल लिया और तेरा ये हाल कर दिया। जी अम्मा जी, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए इसे।
तुम्हारी बहादुरी का इनाम। अरे अच्छा तो ये होता कि वो तने वही खत्म कर देता। कहने को तू उस पहलवान का छेड़ा से, लेकिन एक नकाबपोश नहीं संभाला गया तेरे से। जी में तो यही आ रहा कि मैं तने खत्म कर दूं। जा, वापस जा अपने उस्ताद के पास, भाग, भाग यहाँ से। माफ करना। कौन से तप करके आई है ये सिमरन जो मेरे हर वार से बचे जावे। खैर, बकरे की मां कब तक खैर मनावेगे? पर वो नकाबपोश था कौन जिसने उसकी जान बचाई? कौन हो सके से वो? Say